दोस्तों, आप न्यूज़ वगैरह में अक्सर G20 समिट के बारे में सुन रहे होंगे, तो आपके माइंड में भी जरूर आता होगा कि ये G20 एक्चुअल में होता क्या है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 ग्रुप के बारे में। इसका इतिहास क्या है, इसे बनाया क्यों गया, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, और इसकी अचीवमेंट्स और फ्यूचर विजन के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं G20 की हिस्ट्री की। ये बात है लेट 1990s की, जब एशियन कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तब G7 फोरम, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 7 इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज आते थे, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने सजेशन दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर डिस्कशन के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज का मीटिंग में होना भी जरूरी है। इसी आइडिया से प्रेरित होकर 1999 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर G20 बनाया, ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सके। बात करें इसके मेंबर्स की, तो जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, G20 यानी टोटल 20 मेंबर्स का ग्रुप, जिसमें 19 तो इंडिविजुअल कंट्रीज आते हैं और 20वां है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट या यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। बाकी सभी 19 देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया से उनके हेड ऑफ स्टेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एटसेट्रा इस ग्रुप की मीटिंग में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 के सभी मेंबर्स मिलके वर्ल्ड की टोटल 2/3 पॉपुलेशन, 80% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इन सभी मेंबर्स के अलावा कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को भी एज गेस्ट G20 की मीटिंग्स को अटेंड करने के इनवाइट किया जाता है। लेकिन इन मीटिंग्स का मकसद क्या होता है? G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाना और वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को कम करना। इसके अलावा इस ग्रुप का एम होता है क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और इनइक्वालिटी जैसे ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करना। G20 की मीटिंग साल में एक बार होती है और ये बारी बारी सभी मेंबर्स कंट्रीज में कराई जाती है। जिस कंट्री में ये मीटिंग होती है, वही कंट्री उस साल मीटिंग की अध्यक्षता करता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चेयरमैन का रोल अदा करता है। उस साल मीटिंग में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की जाएंगी, किन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, वो भी होस्ट कंट्री डिसाइड करता है। इस मीटिंग को सभी मेंबर कंट्रीज के हेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अटेंड करते हैं। इन मीटिंग्स में वर्ल्ड लीडर्स को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे आ रहे नए नए चैलेंजेस को डिस्कस करने का मौका भी मिलता है। फाइनल मीटिंग से पहले हर कंट्री के हेड ऑफ गवर्नमेंट के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम शेरपा कहते हैं, वो आपस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। इससे मेन मीटिंग यानी समिट में होने वाली बातचीत काफी आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर खुद डायरेक्टली मीटिंग में डिस्कशन नहीं करते, उनकी तरफ से ये काम उनके द्वारा अपॉइंटेड उनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यानी शेरपा करते हैं। अगर आप जानते हैं कि फिलहाल G20 समिट में इंडिया का शेरपा कौन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसा कि हमने बात की कि ये मीटिंग हर साल अलग अलग देश में होती है, तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 14 से 15 नवंबर 2008 में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में Washington DC में पहली बार कराई गई। इसके बाद 2009 और 2010 में ये मीटिंग साल में दो बार हुई, जिसके बाद ये मीटिंग हर साल में एक बार होने लगी। नोट करने वाली बात यह है कि G20 बंद तो 1999 में गया था, लेकिन इसकी रेगुलर एनुअल मीटिंग यानी समिट्स की शुरुआत 2008 से हुई थी। 2022 में ये मीटिंग इंडोनेशिया में थी और 2023 में ये मीटिंग इंडिया में है, इसलिए ये साल इंडिया के लिए काफी स्पेशल है। 9 to 10 September 2023 को ये मीटिंग दिल्ली में कराई जाएगी। ये G20 की 18th मीटिंग होगी और चूंकि इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, तो इस मीटिंग का मेन एजेंडा भी इंडिया ही डिसाइड करेगा। बात करें अभी तक की G20 की अचीवमेंट्स की, तो G20 जब से बना है तब से उसने काफी नोटेबल सक्सेस हासिल की है। सन 2007-2008 एंड अर्ली 2009 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम G20 ने ग्लोबल इकोनॉमी को टोटल कोलैप्स होने से बचाने में काफी क्रूशियल रोल अदा किया था। G20 के मेंबर कंट्रीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए और दिवालियापन की एक वेव जो उस टाइम पे चल पड़ी थी उसको रोकने के लिए आपस में मिलकर काफी कदम उठाए थे। इसके अलावा इस ग्रुप ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और टैक्स इवेजन को कम करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। G20 ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की दिशा में भी काम किया है।
बात करें G20 के फ्यूचर विजन की, तो G20 हमेशा से ही ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस और एड्रेस करने का इंपॉर्टेंट फोरम रहा है। हालांकि G20 ने रिसेंट ईयर्स में COVID-19 पैंडेमिक जैसे न्यू चैलेंजेस भी फेस किए हैं, जिससे ग्लोबली देशों को इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ा था। इस टाइम में G20 ने जरूरतमंद देशों को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज और डेट रिलीफ मेजर्स देकर सपोर्ट करने की कोशिश की थी। फ्यूचर में भी G20 इसी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने में अपना रोल अदा करता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।